हेलो गाइस, तो मैं बोल रहा हूँ अनुराग सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राइम टेक। तो वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने एनालिटिक को प्रॉपरली देखें। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हमें ओपन करना है अपना क्रोम ब्राउज़र। तो मैंने ये ओपन कर लिया है, यहाँ पर हमारा यूट्यूब ओपन है। तो हमें अपने यूट्यूब के चैनल के लोगो पे जाना है। तो लोगो पे वहाँ पर क्लिक करना है हमें, फिर हमें करना है अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन, जहाँ लिखा है यूट्यूब स्टूडियो। फिर मैंने क्लिक कर दिया है, लोडिंग हो रहा है, अभी खुल जाएगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, खुलने ही वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा हमने ओपन कर लिया अपना YouTube स्टूडियो और हम हैं अपने चैनल डैशबोर्ड पे। तो हमें इसके दो ऑप्शन नीचे जाना है, जहाँ पर लिखा है एनालिटिक, उसी पे हमारी एनालिस्टिक दिखेगी। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया है और हमारी एनालिस्टिक शो हो रही है। तो आप सोचते होंगे, जब आपकी एनालिस्टिक शो होती होगी तो बोलते होंगे मेरी व्यू इतनी नहीं है, पर मुझे इतनी कम व्यू क्यों दिखा रहे हैं और सब्सक्राइबर भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब्सक्राइबर और व्यू ना 28 दिन की दिखा रही है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरे साल का दिखाने के लिए हमें 28 दिन, जहाँ लास्ट 28 डेज लिखा है, वहाँ क्लिक करना है। तो हमें फिर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो हमें उस पर लाइफ टाइम पे कर देना है। जब आप लाइफ टाइम पे करेंगे तो आपकी पूरी व्यू दिखाने लगेगी, जैसे मेरी 12.1 के व्यू दिखा रही है और वॉच टाइम है 192.8 और 260 सब्सक्राइबर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइफ टाइम करने से क्या होता है। तो जिसे भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरा दूसरा चैनल भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर देना।